दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। दोस्तों दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने यह बताया था कि कोई भी जॉब कार्ड होल्डर्स जो आठवीं उत्तीर्ण है वो कैसे मेट का कार्य कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने यह प्रोसेस भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति मेट के लिए कैसे अप्लाई करे। हालांकि उस वीडियो में जो शासन द्वारा दिनांक 26 जून 2013 को आदेश जारी हुआ था, उस आदेश की पीडीएफ की लिंक भी मैंने दी हुई थी। उसमें सर्कुलर्स के साथ 5 फॉर्मेट भी दिए हुए थे, परंतु हो सकता है आप लोगों ने उस फॉर्मेट्स को नहीं देखा हो, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए थे कि सर हम मेट के लिए कैसे अप्लाई करें। तो चलिए कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि मेट के लिए आप कैसे अप्लाई करें। सर्वप्रथम आप उस फॉर्मेट का अवलोकन कीजिए जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी थी। इस बार इस वीडियो में मैंने उस फॉर्मेट की लिंक अलग से दे रखी है, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे डाउनलोड करा के प्रिंट करा लें। और जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज उसे आप अपने सामने रख लीजिए। इस फॉर्मेट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि मेट के लिए आप कैसे अप्लाई करें। आप इस फॉर्मेट को देखिए, यह फॉर्मेट में मुख्यतः दो भाग हैं। पहले भाग में यह बताया गया है कि जो श्रमिक समूह है वो किस प्रकार मेट का नाम प्रस्तावित करेगा, तथा दूसरे भाग में जो ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा वह दर्शाया गया है। इस प्रोसेस के बारे में बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है। मेरे देखने में तो यहां तक आया है कि यदि आपकी ग्राम पंचायत से अच्छे संबंध है तो मेट का रजिस्ट्रेशन आपका यूं ही हो जाता है, और जब आपकी जीआरएस या सचिव से बात हो जाती है तो आपको मेट नामांकित करके मस्टर जनरेट कर दिया जाता है। वीडियो प्रारंभ करने के पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ये घंटी वाली बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब आप इस फॉर्मेट को देखिए, ये फॉर्मेट के जो दो भाग हैं वो दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। सबसे पहले आप इस भाग को देखिए जो श्रमिक समूह द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने ग्राम का नाम, फिर ग्राम पंचायत का नाम, फिर जनपद पंचायत का नाम और आखिरी में जिला पंचायत का नाम लिख दीजिए। मेरे को हिंदी में टाइपिंग नहीं आती, अतः मैं अंग्रेजी में ही लिख रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मजदूरों की संख्या लिखना है। अब आप थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे तीन लाइन दिख रही है। आपके ग्राम में जितने मेट हो ये तीन लाइनों में देखिए उनका नाम, पता एवं मोबाइल नंबर लिख दीजिए। जब आप इस फॉर्मेट को भर रहे होंगे तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये तीनों नाम एक साथ मत भरिए। यदि गांव में तीन मेट हैं तो इसके तीन अलग अलग फॉर्म भरिए, नहीं तो आगे किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब आप इसका दूसरा पार्ट देखिए। जब श्रमिक समूह समिति द्वारा आपका नाम प्रस्तावित कर दिया जाता है तो ग्राम पंचायत द्वारा आपके नाम को नामांकित कर लिया जाता है। और यहाँ पे आप फॉर्मेट देखिए, सबसे ऊपर ग्राम पंचायत का नाम, फिर नीचे जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का नाम लिखा जाता है, उसके बाद आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपका पता लिखकर ग्राम पंचायत इसे नामांकित कर देती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप भली भांति समझ जाएंगे कि मेट के लिए कैसे नामांकन फॉर्म भरा जाता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और ये देखिए मेरे दोनों नंबर हैं, पहला नंबर मेरा व्हाट्सएप वाला है, दूसरा कॉलिंग नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।